नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर से। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने सृजन स्वराज को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जगदानंद सिंह ने सृजन स्वराज को युवा आरजेडी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए खुद सृजन स्वराज मौजूद होंगे, लेकिन एक बात और एक और अहम जानकारी बता दें कि सृजन स्वराज इससे पहले छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन एक साल दस दिन हो गए इस पद पर वो नहीं है और आज जगदानंद सिंह ने बड़ी जिम्मेदारी सृजन स्वराज को दी है। सबसे पहले तो आपको बधाई, और क्या कुछ करने वाले हैं? पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है, जैसे पूर्व में भी आपने वो देखा है कि छात्राज के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो मेरा काम था उसे मैंने बखूबी निभाया था, और आगे भी जो मुझे नई जिम्मेदारी दी गई है उस पर मैं खड़ा उतरने का काम करूँगा। पार्टी की जो विचारधारा है, वो उपचुनाव हो, हम लोग प्रचार के लिए जाएंगे और आगे पार्टी को आगे मजबूती प्रदान करते रहेंगे। पहले भी छात्र आरजेडी में आप काम करते रहे, अब युवा आरजेडी में आ गए हैं। युवा आरजेडी जो विंग है तेजस्वी यादव की पार्टी का, वो सड़कों पर आंदोलन करने के लिए जानती है। चाहे तेजस्वी यादव कोई भी आंदोलन सड़कों पर करे, युवा आरजेडी की जो भूमिका है वो काफ़ी अहम रहती है, हमेशा रहती है। आप अभी हाल फिलहाल में भी 23 मार्च को आपने देखा होगा राजभवन मार्च युवा राष्ट्रीय जनता दल के ही नेतृत्व में हुआ था। हम लोग हमेशा संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, तेजस्वी यादव जी की टीम ही जानी जाती है संघर्ष के लिए। इस बार जो चुनाव में जो मुख्य मुद्दा था हमारे नेता को, वो युवाओं को फोकस में रख के रखा गया था, बेरोजगारी जो अहम मुद्दा था, और उस पर अभी भी हम लोग आगे चल रहे हैं। आगे संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग फिर सड़कों पे फिर से उतरेंगे, प्रदर्शन जारी रहेगा। कहा जगदानंद सिंह ने जब ये पद आपको दिया जा रहा था? पद एक जिम्मेदारी के तहत दिया जाता है, तो उनकी जो उम्मीदें हैं मुझसे इस जिम्मेदारी को देने के बाद, मैं उस पर पूर्ण रूप से खड़ा उतरने का काम करूँगा। आपसे संबंध ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्यों आप उस वक्त आपने पद छोड़ा या हटाया गया था छात्र आरजेडी? पार्टी में पद पे, एक पद पे कोई हमेशा हमेशा आजीवन तो बना नहीं रहता है। उस टाइम छात्र आरजेडी के पूर्व, अब तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो गए, उस टाइम छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष थे। अब नई जो जिम्मेदारी मिली उसके साथ आगे बढ़ेंगे। ये प्रमोशन ही हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये चर्चा है कि तेज प्रताप यादव ने जिसे हटाया, जगदानंद सिंह ने उसे गले लगाया। हटाया नहीं है, ये तो एक पद पे कोई आजीवन रहता नहीं है। हमारे बाद भी कुछ आए, वो भी गए, नए लोग हैं, नए लोगों को नई जिम्मेदारी हमेशा मिलती रहती है। हम इस बात की खुशी है कि पार्टी ने संघर्ष को देखते हुए हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। छात्र राष्ट्रीय जनता दल से युवा राजद में आना हमारे लिए एक प्रमोशन है, एक आम का। अभी हाल फिलहाल में प्रशिक्षण शिविर में आपने आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की अगर बात सुना होगा, तो उन्होंने ये सीधे तौर पर ये बोला था कि जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उन्हें पार्टी में पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो मिल रहा है। वो मिल रहा है। लगातार एक तरह से आपका वनवास खत्म हुआ है एक साल का। पहले भी एक्टिव थे, बिना पद के काम कर रहे थे, पद के साथ काम करेंगे। नए जो पद मिलने से नया जोश आ जाता है, नया उमंग रहता है, और मजबूती के साथ पार्टी के लिए काम करेंगे, इसको मजबूत करेंगे, एकदम करेंगे। चलिए, सृजन स्वराज युवा आरजेडी के प्रदेश उपाध्यक्ष। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।